इस प्रकार पूर्णिमा धनवान बन गई। फिर पूर्णिमा ने भी अपने घर पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। अमावस्या जब पूर्णिमा के घर आई तो देखा कि पूर्णिमा उससे भी ज्यादा धनवान हो चुकी थी, तो अमावस्या ने पूर्णिमा से इसका कारण पूछा, तो पूर्णिमा ने अमावस्या को सारी बात बता दी। फिर अमावस्या भी दूसरे दिन अपने मायके के लिए चल पड़ी। रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा दिखा। तुलसी माता ने कहा, बेटी मेरा चबूतरा साफ कर दो। तो अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया, तुमको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है क्या? मैं रानी हूँ, कोई तुम्हारा चबूतरा साफ सफाई करने वाली नौकरानी नहीं। फिर ऐसा बोलकर अमावस्या आगे चल पड़ी। आगे भोले शंकर का मंदिर दिखा। बाबा ने भी साफ सफाई की बात की तो अमावस्या ने बाबा को भी ऐसा ही कहा। आगे काली माँ के मंदिर में भी ऐसा ही कहा और गंगा जी के किनारे पर भी ऐसा ही कहा। फिर अमावस्या एक लकड़ी के नाव में बैठी तो नाव में एक कांटा था जो अमावस्या के पैर में चुभ गया, जिससे अमावस्या को बहुत दर्द हुआ और खून भी बहने लगा। फिर अमावस्या उसी नाव में बैठकर अपने भैया भाभी के घर पहुंच गई। भाभी ने उसे पानी तक की नहीं पूछा, क्योंकि भाभी ये जानती थी कि अमावस्या निरा कामचोर और आलसी है, खुद ही अपना थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो काम करना सीख जाएगी, तो उसी के लिए अच्छा होगा। जैसे तैसे करके अमावस्या रात भर रुकी। इसके बाद दूसरे दिन अमावस्या जब अपने घर के लिए चलने लगी, तब अमावस्या ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मुझे कुछ नहीं दोगी? पूर्णिमा को तो तुमने एक झोला दिया था। फिर भाभी गई तो भाभी ने एक झोले में मिट्टी भरकर अमावस्या को दे दिया। अमावस्या ने देखा कि झोला काफी वजनदार है तो मन ही मन खुश हुई कि भाभी ने तो पूर्णिमा से भी ज्यादा कीमती वस्तुएं रखी होगी, तभी तो झोला इतना वजनदार है। फिर अमावस्या अपने घर के लिए चल पड़ी। फिर गंगा जी को लकड़ी के नाव से पार किया तो अमावस्या के दूसरे पैर में भी कांटा चुभ गया। अब अमावस्या दोनों पैरों से लंगड़ी हो गई थी, ऊपर से मिट्टी से भरा झोले का बोझ उठाकर आ रही थी। गंगा जी के इस किनारे अमावस्या ने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी तुम मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा रूपी अम्मा जी ने एक झोले में पत्थर भरकर दे दिया तो अमावस्या और ज्यादा खुश हुई कि यह झोला तो भाभी के घर के झोले से भी ज्यादा वजनदार मालूम होता है, लगता है कि सोने चांदी के आभूषणों से भरा होगा। फिर अमावस्या आगे आई और काली माँ के मंदिर के पास आकर कहा, माता जी मुझे कुछ नहीं दोगी?